तो देखिए दोस्तों, हमारी फॉर्म मशीन बनने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म क्रिएट जनरेट करेगी। तो देखिए बहुत अच्छा है इसका, तो वीडियो को पूरा वॉच करना दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी फॉर्म मशीन बनाना है तो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वेलकम बैक दोस्तों, आपके फिर से स्वागत है मेरे चैनल BWC डिटेल में। तो आज मैं बनाने वाला हूँ फॉर्म वॉश की मशीन, जो फोम जिसे फेंकती है, जिसे गाड़ी वॉश होती है, वो मशीन मैं बनाने वाला हूँ घर पर। हाँ जी, हाँ आपने सही सुना है कि अब आप घर पे भी फोम वॉश की मशीन बना सकते हो। तो उसके लिए हमें जो भी सामान लगेगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन परचेस ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये सामान जो भी है इसका सब महंगा मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उसके लिए हमें लगेगा आधे इंच का एक वॉल ब्लॉक, जिसे कॉक भी कहते हैं, और दो निप्पल थ्रेड वाले, और एक कनेक्टर जिसमें अंदर से थ्रेड हो, वो भी आधे इंच का चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेन थिंग, हमें एक पहले 25 लीटर की टैंक ले लेंगे जिसमें पानी फिल कर सकें, और एक हवा एयर कंप्रेसर को जो पाइप लगाते हैं वो पाइप लेंगे, और उसके निप्पल फिट कर लेंगे। बाद में वही पाइप्स में कई सारे होल्स मार देंगे कुछ इस तरह से, और उसे एक साइड से हम एमसील लगा के पैक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसमें बहुत सारे होल्स कर दिया है सोल्डर मशीन से गर्म करके, और एक साइड से एमसील लगा के पैक कर दिया है, और दूसरा साइड जो है तो आधे इंच का निप्पल है वो लगा दिया है। अब इसमें ये टैंक में डाल देंगे। ये हमारी छोटी सी टाकी है, पाइप अंदर डाल चुके हैं, और इसमें ये आधे इंच का वॉल ब्लॉक जिसे कॉक कहते हैं ये लगा दिया है इसमें हमने, और इसके ऊपर जो है तो आधे का थ्रेड जो इसमें हवा का पाइप इजीली बैठ सके ये इसमें हमने तो लगा चुके हैं। ये देखिए, नट हार्डवेयर पर मिलता है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमने इसमें ये इसके कैप में जो है तो होल कर लिया है, और ये देखिए ये आधे इंच का आउट जिसमें थ्रेड बाहर होते हैं वो है, ये देखिए ये मैं इसमें लगा दूंगा। ये अपने साइकिल की ट्यूब की पैकिंग है, ये इसमें मैं इस लगा रहा हूँ। अब इसमें मैं ऊपर से एक पैकिंग देके ये देखिए ये कॉक है, सॉरी ये आधे का कनेक्टर है जिसमें अंदर से थ्रेड है और एक साइड से प्लेन है, मैं ये इसमें लगा दूंगा। ये देखिए ये बैठ गया। अब इसमें हमारा आधे का जो पीवीसी का पाइप आता है वो बिठा लेंगे हम, और इसमें ये कैप लगा देंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये अंदर हमने पाइप छोड़ रखा है, और ये जो है तो ये इसमें हमने एमसील से इसको टाइट कर दिया है, एमसील लगाकर, ताकि ये इसमें से लीक ना हो। और ये वॉल ब्लॉक है, ये अंदर से भी एक ऐसा नट है जिसमें ये होल आता है, देखो आर पार होल आएगा इसमें, और इसमें पाइप लगा के हमने इसमें ये जो है तो नट टाइट कर दिया है, और इसमें पाइप लगा के ये भी टाइट कर दिया है, और ये कैप में जिसमें पाइप। तो अब हम इसमें इसको ऊपर एक पाइप पीवीसी का पाइप लगा देंगे प्रेशर मारने के लिए, और ये देखिए ये अंदर इसमें हम जो है तो लिक्विड डाल देंगे, लिक्विड डाल के कैप लगा देंगे। तो चलिए, और ये पाइप जो है ये एयर का है, इसमें कंप्रेसर से एयर भरे जाएगा, तो
तो ये आपको ज़रूर लगाना होगा, आपके पास एयर कंप्रेसर होना ज़रूरी है। तो चलिए आप जो है तो टाइम टेस्टिंग का है, बढ़ते आगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब हम इसमें पानी पहले भर लेंगे। और पानी भरने के बाद इसमें हम लिक्विड मिक्स करेंगे थोड़ा सा। तो हमने पानी डाल चुके हैं, अब हम इसमें अबाउट 200 ml लिक्विड डाल देंगे। बस अब चलिए बारी आती है टेस्टिंग की। तो हमने इसमें एक साइड से जो था हवा का कंप्रेसर का पाइप लगा चुके हैं और देखिए ये फोमिंग होना चालू हो गई है इसमें। देखिए ये है फोम, बहुत ज़्यादा एकदम हायर क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का। है ना बढ़िया कमाल का। चलिए दूसरी गाड़ी पे मार के बताते हैं। देखिए तो आप इसी तरह से घर पे भी आपके आप बना सकते हैं एक फोम मशीन। आपके अगर वॉशिंग सेंटर है तो ये आपके बहुत काम का है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्तों, और ऐसे ही लाइक भी कर देना।